हाँ जी नमस्कार। ओ बॉयज एंड गर्ल्स, गाइस कैसे आप सब लोग? तो जी हाँ, आ जा आ जा, तू भी आ जा। अच्छा खासा मैं वहाँ से आउट के आया, अभी 8:30 हुए हैं, लेना गई है 8 बजे ऑफिस। मैंने इससे बोला तू वहीं सो जा, मैं यहाँ सो रहा हूँ दूसरे रूम में, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही थी। ये उठ के यहाँ से इस रूम से उधर गया है, मैं इधर आ गया। तब साहब को यहीं सारी एक्सरसाइज करनी है जो अभी आपने देखी, कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ कर रहा है। बदतमीजी कहते हैं जिंदगी नहीं, अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ भैया वहां जाके सो जा, थोड़ा सा सोने दे अभी तो टाइम है, बट नहीं कर, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, अभी करनी है ओके 7 वीक, अभी करनी है एक्सरसाइज सारी। बताओ सारी, क्योंकि अभी एक बार नींद उड़ गई तो खुल गई तो खुल जाएगी, रात 2 बजे तो सोया हूँ मैं। छो, अब ये खेल कर रहे, चप्पल पहननी मेरी ऐसे सकरवाए स्कार्फ। इसको यहाँ पे खेल सूझ रहा है, वहाँ पे कहीं टीवी चल रहा है, उस पर कभी डांस कर रहा है कभी कुछ कर रहा है, बदतमीज लड़का। भाई अभी हम आए पॉली क्लिनिक में साथी को दिखाने के लिए रिपोर्ट, मतलब कि मैं अकेला आया हूँ पहली बार यहाँ पे जाना 205 में। ये इनका प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट का है। जी अभी हम लोग आ गए हैं सातिक के पॉलीक्लिनिक से वापस, है ना सातिक? और वहाँ पर अभी दिखाया, अभी आपने अगर देखा तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट, ये जो था पीछे ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है अभी आप देख रहे हो, और सुबह से 1.5-2 घंटे हम लोग बस, पहले सुबह से इसको उठने के बाद खाना खिलाने में 1 घंटा लग गया, फिर इतनी फ़ोन कॉल आई। एक्चुअली मैं अपना पर्सनल व्हाट्सअप नंबर दे चुका हूँ, बिजनेस नंबर है, इतने कॉल आए इतने घंटों तो मुझे उसमें लग गया। फिर मैंने ही नाश्ता 12 बजे करा, डेली का रूटीन है अपना। अब इसको सातिक को रेगुलर चेकअप के लिए लाया था, सब कुछ फ्री है यार, अल्ट्रासाउंड क्या उजी उजी अल्ट्रासाउंड ही होते हैं ना, हाँ जो भी था एक्सरे अल्ट्रासाउंड जो भी लिखा हुआ है, ब्लड टेस्ट होंगे हर तरह के, स्टूल टेस्ट है ना, यूरिन टेस्ट, सब टेस्ट होंगे, वो सब गवर्नमेंट की तरफ से फ्री होता है। तो इसका लिख दिया है कि मंडे से लेकर वेडनेसडे थर्सडे तक इसके सारे टेस्ट होंगे डेली, कभी कोई सा कभी कोई सा। मैंने कहा ये अच्छा, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऐसा था इतना सुपर क्लीन जैसे कि आपका प्राइवेट हॉस्पिटल हो इंडिया में, सच में यार बहुत अच्छा लगा मुझे। ये सर्विस बहुत अच्छी लगती है कि जो आप टैक्स पे कर रहे हो तो उस टैक्स के बदले में गवर्नमेंट आपको ये सुविधा दे रही है। देखो उसका फ़ायदा तभी है क्योंकि पॉपुलेशन कम है यहाँ पे, इसलिए वो सब देते हैं। यूरोप में और भी अच्छा, मैं पहले भी और वीडियोज में बता चुका हूँ, लेकिन आज मेरा पहला एक्सपीरियंस था साथी के साथ, क्योंकि लेना ने मुझे बोला कि आज तुम्हें जाना पड़ेगा साथी के साथ। मैं आ गया, ओके ठीक है भाई कर लेंगे, बाप का फर्ज ज़्यादा, लेकिन उसने पूरी स्टोरी पहले ही लिख दी थी पेपर पे क्या क्या बोलना है, और डॉक्टर्स के पास इनकी पूरी रिपोर्ट पहले से होती है कंप्यूटर में, टाइमिंग से गए थे हम तो उसको पता था कि ये सातिक शर्मा है। फिर मैंने लेना को फ़ोन कर दिया था, वो फ़ोन पे उसने सब बता दिया था। बाकी आई डोंट नो कि आवाज़ कैसी आ रही होगी आपको, ये देखो यहाँ से हम रास्ते पर जा रहे हैं, अभी सातिक को पैदल ही ले जा रहा हूँ मैं। चलो फिर अभी हम एक बंदे से और मिलवाएंगे, जो आज हमारा गेस्ट आया है बंदा, तो वो अभी हमारे घर के बाहर ही वेट कर रहा है, उससे और मिलवाएंगे। कौन है ये तो खड़ा है यहाँ पे? तू तो गया था पहले, तू ये भूल गया था ना स्कूटर। हाँ तो ये रहा भाई हमारा गेस्ट, जो मैं बोल रहा था गेस्ट आ रहा है, अभी हम होके आ गए हैं। डॉक्टर क्या से भाई, भाई हॉस्पिटल ऐसे, अच्छा तू तो डॉक्टर है, लेकिन सच में गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जैसे प्राइवेट होते हैं। बैठेगा इस पर कहाँ बैठेगा भाई, खड़ा हो, रुक तो जा, इंटरव्यू तो लेने दे तेरा। तो डॉक्टर साहब क्या उखाड़ रहे हो तुम? सुन तो ले, सच में इतना प्यारा क्लीन हॉस्पिटल, एकदम जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, और पूरा मंडे से फ्राइडे तक का लिखवा दिया है कि ये टेस्ट होंगे इसके वो टेस्ट होंगे। लेकिन यार कितना अच्छा बेनिफिट है ना, अगर इंडिया में भी सब ये फ्री हो जाए तो कितना फ़ायदा हो। आज मेरे कज़न से बात हो रही थी, बोल रहा था भैया इसके अभी वैक्सीन लगवानी है बच्चे के जो हुआ है अभी, 10,000-15,000 ऐसे ऐसे प्राइवेट में, सोचो जो लूट है। और अरे यार ये लूट है, बहुत गंदी लूट है, हम बोल रहे हैं लूट, क्या दिक्कत है? दुकान से लिया है सामान, 2,000 रुपए का आज करेंगे पार्टी दबा के। आओ बेबी हमर, देखो कितनी सेक्सी लग रही है, ऊपर ऊपर है ना, H2 है। चलो फिर घर चल रहे हैं, घर जाके मिलते हैं आप लोगों से, शोर भी आ रहा हो। चले भैया जी, सृजन के आने के बाद कम से कम ये फायदा हो जाता है कि सातिक बहुत जल्दी सुधर जाता है। अभी मैं आपको छोटा सा एक दिखा देता हूँ कि अभी ये खुद से तैयार हुआ, जब हम डॉक्टर के गए थे खुद ही अब ब्रश कर रहा है, खुद ही देखो धो धा के सब कुछ, मुंह भी साफ कर लेगा सब कुछ,
क्योंकि सर्जन को देखते ही इसके रशियन में तू से आप निकल जाती है कि कब पैर छूने। वो तो चलो अब तो वो तो चीज़ सीख ही गया है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट यह है कि सारी चीज़ें आराम से करने लगा है। तमीज बहुत जल्दी आ जाती है क्योंकि इसकी सुनता है। एक्चुअली वो तेरी सिर्फ डरता नहीं, वो एक इज्जत करता है कि क्योंकि तू फिर ना नाराज ना हो जाए, चला ना जाए। लास्ट टाइम याद है जब रात में रोया था, रात में भाई रो के बाहर आया भक्के भाई साहब, यूं कह रहा फिर बाद में कि मुझे ऐसा लगा था कि कहीं चले चले गए। क्या जब वो घर में घुसा, हाँ जब तू बोल रहा था, हाँ घर में घुसा, मैं मेरी आदत मैंने कहा है साथ पीछे रख दूंगा, हाँ अभी मैं रख दूंगा, हाँ तो मेरे याद में मैंने सात्विक कहा है, तो इसने आवाज नहीं दी, ऐसे छुपा हुआ बोले ना, ऐसे बोलेंगे सात्विक टी टी टी, तो मैंने पूछा, मैंने कहा सात्विक कहा है, इन्हें आवाज नहीं, मैंने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ एक तो मैंने यही हूँ सात्विक टी 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 टी, चल खाने का फटाफट चल, अभी चेक करना है गर्म तो नहीं है। तो जी 4 बज रहे हैं, मैं अभी तक वीडियो नहीं एडिट कर पाया हूँ अपनी। एक काम करना तू, इतने इसको खिला दे फूंक मार मार के, इतने खाएगा इतने मैं झट देने से कर दूंगा, फिर उसके बाद बस अपना ठीक है ना हो गया। तो जी सब लोग प्लीज प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना है करो, लेकिन करते रहो। वीडियो को रात तक करेंगे, एंड में करेंगे ठीक है। लेना जब आ जाएगी, लेना को बता दिया है जो भी है। मेरे को एलर्जी हो रखी है यार, मेरे को कई बार बहुत देर तक छींक नहीं आती तो मुझे अजीब सा होने लगता है, तो मैं थोड़ा सा वीडियो एडिट कर दूँ जल्दी से यार, वो नहीं तो काम रह जाएगा। ठीक है मिलते हैं आपसे। वो कहाँ है मेरा वो कहाँ? तो जी मेरी ना एक रिक्वेस्ट है मौसी मौसा जी से, जो सृजन के मम्मी पापा हैं कि जी ये वैसे तो ये डॉक्टर करने आया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब ये हमारे पास रहे, मैं और लेना मिलके इसको तनख्वाह देंगे और हमारे घर रहेगा। मैं सृजन के पास सात्विक को छोड़ के आया कि इसको खाना खिला दे। जो खाना खाने में, एक सुबह एक ऑमलेट खाने में इसने मेरे को 1 घंटा लगाया भाई साहब। मेरे को इस एलर्जी में सांस नहीं आ रहा था, मैं खुद नहीं नहाया था, नाश्ता नहीं किया था 1 घंटा, भगवान कसम। बनाने में इतना टाइम नहीं लगा कि ऑमलेट जल्दी बन जाता, 1 घंटे ज़्यादा लगाया। महाराज अभी सात्विक को खिला के आए, मात्र 10 मिनट के अंदर खाना। ये देखो 10 मिनट के अंदर 12 पिल मेनी। क्या सुनाया मैंने, हनुमान चालीसा लिया भैया, ये तो हनुमान जी ने खिलाया। फिर तो भाई हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है सृजन, तेरे डॉक्टरी होने वाली है, तू हमारे घर रहे, तुझे कहीं अपना फ्लैट लेने की जरूरत नहीं, हम तुझे तनख्वाह देंगे उल्टे 10,000, मैं 10,000 लेना, फिक्स कर दे डील भैया। हम बहुत सच में, हाँ कोई चॉकलेट नहीं खिलाएगा फिर तू, कोई मोबाइल नहीं कुछ नहीं, भगवान का नाम लेना। पूछा मैं चॉकलेट रखी थी ना, मैंने उठा लिया, मैंने कहा चाहिए, कहता है ले लू, मैं खानी है, कहता नहीं। सुनो भाई साथी कहीं पे है, साथी कहीं खड़ा है, सृजन डील डन। कोई डन नहीं, पागल हो क्या? डील डन है भैया, आप लोग गवाह हो, डील डन। कोई डन नहीं, डील डन, सात्विक के साथ है भैया, डील डन ठीक है। देख ले इधर को, देख लो सात्विक, तो डील डन, तो डील डन हो गई। कुछ भी करा भैया, आप लोग सब गवाह है, डील डन हो गई है, कुछ भी करा लेते हैं। हो गया कान का दरदान, हो गए पान दान खान दान, सात्विक लग गई चोट, यहाँ पे पड़ गया नील। सात्विक दिखाइयो, अरे मैया, अरे अभी सात्विक के हमने दवाई लगा दी है, सात्विक के पड़ गया नील क्योंकि ये गिर गया था, तो इसके गिरने पे गिर गया, मतलब कि चोट पे चोट लगी ना, रूसी बेचारा भाई, खाट पैर छिल जा हमारे तो तब ना पट्टी बनते। खली सर जरा फूंक मार के उसको उड़ा दो। है खली सर, जरा हम जरा अपने गुस्से वाले इंसान से मिल ले, मेरे से गुस्सा पर्सन इन द हाउस बेबी। क्या हो गया तुम्हें बताओ? कुछ नहीं, मैं थक गई। तू तो रोज ही थक जावे, इतना काम करे, जरा इधर दिखा, थूक दिखा इधर, लोग यूं पूछ रहे थे कैसे गुस्सा रहती है भाभी, हैं कह रहे तुम्हारा झगड़ा हो गया क्या आपस में? झगड़ा हो गया किस बात पे? नहीं हुआ यार। ये तो मैं बोल रहा था हमेशा भैया। ये देखो ये जो ज्ञान दे रहे हैं ना कि बीवी की हेल्प करनी चाहिए, हाँ हाँ बताऊंगा, ये रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, जब तेरी शादी हो जाएगी ना तेरी बीवी को दिखाऊंगा, देखूंगा कितनी तू हेल्प करेगा। चेहरा दिखा दे अपना, तू चेहरा दिखा दे अपना। मैं तो भाभी की बात कर रहा हूँ, भाभी की नहीं, तूने कहा ना बीवी की, तो तू अपनी बीवी की ना करेगा, मैं तेरी बीवी की कर दूंगा, मेरी भी तो भाभी लगेगी, वो तो लगेगी, तो फिर हम कर देंगे उसकी हेल्प। मौसी जी को दिखाऊंगा वीडियो, देख लो कितनी हेल्प कर रहे आयो, कच्चे सूखते भी तुम। ओमनेश तक तो नमस्ते, राम राम उसका जी, राम राम, कैसे हो उसका जी, कैसे हो, कैसे हो, बढ़िया उसका जी, बढ़िया बढ़िया।
बढ़िया हाँ जी बढ़िया ठीक है दवा है ना। हाँ जी, तो जी कल की पार्टी के बाद हम लोग सो गए थे 1 बजे। अभी ज़्यादा शोर आ रहा है तो बस इसको वीडियो को करना यहाँ पे एंड। आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक करो, मेरा बिजनेस व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन में है, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो कोई क्वेश्चन हो और वीज़ा से रिगार्डिंग या कुछ भी हो, बट प्लीज़ मैसेज ही करना, कॉल मैं नहीं ले पाऊँगा, अभी भी ऑलरेडी बहुत मैसेज आ रहे हैं। अब आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दस विदानिया चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना।